इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी पीएससी कोचिंग सेंटर पड़ाव चौक मुगेली। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के विभिन्न विभाग में कार्यरत कर्मचारी संगठनों के लंबित मांगों पर राज्य सरकार द्वारा लगातार आश्वासन दिए जाने से संघ में रोष व्याप्त है, जिससे आक्रोशित होकर विभिन्न कर्मचारी संगठन एकजुट होकर एक बार फिर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर आए हैं। मंगलवार को तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी, कुटवार, पेंशनधारी सहित अन्य संगठनों द्वारा मुगेली कलेक्टर परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही उनके द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को केंद्र के पेंशनरों के समान ही सातवें वेतनमान का लाभ दिनांक 1/16 से एरियस सहित दिया जाए, और दूसरी जो प्रमुख मांग है हमारी, दिनांक 1/16 से 31/8/2008 तक का छठवें वेतनमान का 32 माह का एरियस लंबित एरियस की राशि पेंशनरों को दिया जाए। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के नेतृत्व में सहयोगी संगठनों द्वारा 36 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला स्तर पर किया जा रहा है। हमारी प्रमुख मांग है महंगाई भत्ता और सातवें वेतन आयोग का एरियस। हम लोगों की प्रमुख मांग ये है कि कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा देते हुए अपने स्तर में लेकर के हमें आपका जो शासकीय कर्मचारी का जो जगह जो है लागू करने की कृपा करें।